हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेचर दर्पण। आज हम आपको जिस प्लांट के बारे में बता रहे हैं, उस प्लांट को अपराजिता प्लांट कहा जाता है। इस प्लांट को मैं पहली बार कटिंग के द्वारा ग्रो की हूँ, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्लांट को आप कटिंग के द्वारा भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकती हैं। हमने तो पहले इस प्लांट को बीज के द्वारा या इसकी नर्सरी से प्लांट ला के ग्रो की थी, मगर अब हम पहली बार इसे डंठल को काट कर इसकी डंठल लगा दी थी, तो देखिए कितना अच्छा हमारा एक नया पौधा तैयार हो गया। और देखिए अब इसमें फूल भी आने लगा, ये फूल भी हमारी डबल अपराजिता है। और देखिए कितना सुंदर फूल खिला है, इसके कलर देखिए, और इसमें बहुत सारी कलियाँ भी आई हुई है। अभी ये तो नया नया प्लांट में फूल खिल ही रहा है, इसलिए हम सोचे चलो एक वीडियो बना के आपको दिखा दें। ये देखिए इसकी कलियाँ, देखिए अभी छोटी छोटी सी कलियाँ आई हुई है। वैसे भी सारे लोग तो आजकल प्लांट, अपराजिता का प्लांट सब अपने घर में रखते हैं। और देखिए एक और नया प्लांट है, ये सफ़ेद अपराजिता है। कितनों को तो मैं सफ़ेद बीज भेज चुकी हूँ, मगर ये अब और कितनों को नहीं भेज पाई, क्योंकि हमारा अभी प्लांट में बीज तैयार हो रहा है। फिर जब ये इसकी बीज तैयार हो जाएगी तो मैं फिर जितने लोगों ने मांग की थी सबको मैं इसके बीज भेज दूँगी। और इसे अगर घना चाहते हैं तो इसके ऊपर की जो डंठल होती है उसकी प्रूनिंग कर दें। जितने आप प्रूनिंग करेंगे ये प्लांट उतना ही घना होगा। वैसे अपराजिता बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है, सभी के घर में देखने को आजकल ये प्लांट मिलती है। और इसके फूल भी बहुत अच्छा सफ़ेद दो कलर में आती है, एक सफ़ेद होती है और एक ये बैंगनी कलर वाली आती है। इस प्लांट की मिट्टी भी कोई वही जो अपनी गार्डन की मिट्टी रहती है और गोबर की खाद। वैसे अब दिसंबर आ गया, इसे जब भी आप अपनी मिट्टी तैयार करें तो उसमें गोबर की खाद मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार कर ले, और थोड़ी सी बजरी वाली रेत डाल दे ताकि इसकी मिट्टी हल्की रहेगी। वैसे इस तरह मिट्टी तैयार कर ले। और इस समय अब इसमें फर्टिलाइजर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज अगर आप डालना चाहते हैं तो वो केले वाली बनी हुई फर्टिलाइजर ही सिर्फ डालें। अपराजिता की प्लांट में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जब लगे कि इसकी मिट्टी ऊपर से सूख गई है तभी आप इसमें मिट्टी डालें। और इसमें धूप 4-5 घंटे की तो चाहिए ही चाहिए, धूप जितनी लगेगी इसमें फूल उतने ही मात्रा में आएगी। ओके बाय।